इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर नगर निगम का परिचय सम्मेलन का आज दूसरा दिन था, जहां कल पेश हुए 8302 करोड़ के बजट पर आज पक्ष और विपक्ष के द्वारा बहस होना थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के भाषण के शुरू होते ही भाजपा पार्षदों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसमें कल कांग्रेस पार्षदों के द्वारा सदन में काले कपड़े पहनकर और तख्तियां लेकर प्रवेश करने के मामले में खेद प्रकट कर माफी मांगने की मांग की, जिस पर दोनों ही पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि सभापति के द्वारा बिना बहस के ही बहुमत के आधार पर बजट के साथ सभी प्रस्तावों को पास कर दिया गया, जिसे लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष के द्वारा और सभापति के द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी को उनके मुद्दे नहीं उठाने दिए गए और सुनियोजित तरीके से बिना बहस के बजट को पास कर दिया गया। वहीं पास हुए बजट को लेकर नगर निगम के सभापति का कहना है कि बजट पर बहस के लिए समय दिया गया था, लेकिन जो आचरण कल कांग्रेस पार्षदों के द्वारा किया गया था, इस पर माफी की मांग करते हुए ये दोनों पक्षों में बहस हुई और इसके कारण बहुमत के आधार पर बजट को पास करना पड़ा। वहीं महापौर का कहना है कि जिन लोगों ने बजट सुना ही नहीं, उनके साथ बजट पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं बनता और उन्हें अगर बजट पर बहस करना ही थी तो कल पहले अपने कल के आचरण पर खेद व्यक्त कर सकते थे। कल हम लोगों ने, महापौर जी बजट पेश करने वाले थे, उससे पहले हमारी मांग थी कि शहर ने जो भ्रष्टाचार में नए नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं, पहले महापौर जी ड्रेनेज घोटाले को लेकर जवाब दे, सड़क घोटाले को लेकर जवाब दे, शहर के गड्ढे को लेकर जवाब दे, गर्मी में जो पानी नहीं मिला उसको लेकर जवाब दे, ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं हो रहे, किसी वार्ड में कोई काम चालू ना उसको लेकर जवाब दे, नगर निगम को आपने कंगाल कर दिया, पहले उसका जवाब दे। शहर की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि 174 फाइलें गायब है, वो कहाँ है? सड़क के सरकार फर्म वाले सड़क के ठेकेदार के खिलाफ आज तक FIR क्यों नहीं करी? उसके बाद हम बजट पे सार्थक चर्चा करेंगे। तो कल जब हम इस विषय में बात करना चाह रहे थे तो हमको बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया सभापति जी ने। आज जब हम सार्थक चर्चा के लिए बजट पे पूरी तैयारी करके गए तो हमारे प्रश्नकाल में भी, हमारे पार्षदों के प्रश्नकाल भी नहीं सुने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, महापौर जी ने पूरे निर्देशित कर रखा था। जब मेरा नंबर आया भाषण देने का, ये बात रखने का, तब भी इन लोगों ने हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना, सारे लोग चिल्ला पुकार। मैंने सभापति जी को बोला कि कल जब हम नारेबाजी कर रहे थे या महापौर जी की बात नहीं सुन रहे थे तो आप लोगों ने हमको बाहर कर दिया, आज ये भाजपा के लोग कर रहे थे इनको बाहर करो। लेकिन पूरा अन्यायपूर्ण निर्णय हुआ, सभापति जी ने पूरा अन्याय करा, इंदौर शहर की जनता देख रही है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महापौर और नेताओं के दबाव में अन्यायपूर्ण निर्णय लिया। आज बजट पे पूरी सार्थक चर्चा होना थी, उसी चर्चा के लिए हम आए थे कि आने वाले समय में हम क्या क्या करेंगे, लेकिन हम भ्रष्टाचार हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। जलकर संपत्ति कर जो बढ़ाया है उसका हम पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं और सदन से लेकर सड़क तक लगातार इसमें आंदोलन हम इंदौर शहर की जनता के साथ करते रहेंगे। परिस्थितियां तो देखो सब आप लोगों ने लाइव देखी और मैंने तो पूरा प्रयास किया और 2 बार बैठक स्थगित करके पुनः मौका दिया। बाकी सदस्यों में विपक्ष के कुछ गलतियां रही हैं कि जिसके कारण सारे सदस्यों में रोष रहा, जिसका उन्होंने तत्काल विरोध किया। उनका कहना था कि जब इन्होंने बजट सुना ही नहीं और बजट का बहिष्कार करके ये लोग सारे बाहर चले गए थे, तो फिर बजट में बहस के मुद्दे पर इस बात को लेकर रोष था और इसीलिए बजट बहुमत के आधार पर सारे सदस्यों की मांग अनुसार किया गया। सत्ता पक्ष की वजह से बहस नहीं हो पाई कुल मिलाकर, ये मान लिया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही की भी बहस नहीं हो पाई और दोनों को मौका दिया गया था और मौका उसके कारण ये पास हुआ। देखिए, लोकसभा से लेकर विधानसभा और नगर निगम की सदन में विपक्ष केवल हताशा, निराशा, चिड़चिड़ेपन के साथ हंगामा करने के उद्देश्य से आता है। जिस विपक्ष ने श्रद्धांजलि सभा का सम्मान नहीं किया हो, जिस विपक्ष ने बजट सुनने तक की सहमति ना दी हो और आज भी जिस हंगामे के साथ
सदन के माहौल को खराब करके वो सदन चलाना चाहते थे बिना खेद प्रकट किए, तो सदन ने बहुमत से सर्वसम्मति से संशोधनों के साथ बजट को और जितने एजेंडा थे उन सबको पारित करने का काम किया। बहस को लेकर नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि चूंकि वो जो टैक्स बढ़ाया गया था उसके ऊपर अपना विरोध जताना चाह रहे थे, इस वजह से उन बहस नहीं हुई। मेरा उनसे और आप सबके माध्यम से एक सीधा और सरल प्रश्न है कि जिस टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव कल आया था उसको जिसने सुना नहीं वो क्या उस पर बहस करेंगे। मुझे बहुत हंसी आई और दुख भी हुआ जब उन्होंने ये तर्क दिया कि हमने बाहर बैठ के और अपने घर पे बजट सुन लिया। ये सदन पार्षदों के घर पे बैठने के लिए नहीं है, सदन में बैठने के लिए, सदन में बैठ के सुनते, उसके भाव को समझते और उस भाव से बहस करते, माफ़ी मांग के हम सब तैयार थे। पक्षपात का आरोप भी लगाया है उन्होंने, पक्षपात का रवैया अपनाया गया है। नहीं, कल सदन में सभापति जी ने कहा था या तो आप तख्तियां बाहर ले जाओ, तख्तियां सदन में लेकर आना सदन का अपमान है, और सभापति जी ने व्यवस्था दी थी कि या तो 5 मिनट में आप तख्तियां बाहर करो या आप स्वयं बाहर हो जाओ। अब विपक्ष ने खुद बाहर होना तय अपनी मर्जी से किया, तो आज उनको खेद प्रकट करने के लिए कहा, इसमें कहां भेदभाव। बजट आया था 650 करोड़ का, उस पर भी कांग्रेस प्रश्न उठा रही है, उसने कहा कि उसका क्या हुआ, उसका तो जवाब दो। देखिए समस्या ये है कि कांग्रेस बाल बुद्धि से काम करती है। जब भी कोई वार्षिक बजट आता है वो फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रख के आता है। इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, इसी बजट प्लानिंग से लगातार आ रहा है। इंदौर शहर क्लीन एयर में देश का नंबर 1 शहर है, लगातार अमृत पानी और ड्रेनेज के काम जारी हैं। तो एक साल का बजट प्लानिंग का बजट होता है, उसमें लिए हुए जो लक्ष्य होते हैं वो अपने तय समय में पूरा करने। जैसे उदाहरण के लिए 23 मास्टर प्लान की बजट सड़कें इस बजट के माध्यम से बनेंगी, तो वो इसी साल में बन जाएंगी ऐसा नहीं है, उसका टाइम पीरियड है 3 साल। तो इसलिए वो बाल बुद्धि से प्रश्न करते हैं, उनको समझना होगा कि कोई काम यदि हमने लिया है तो वो कितने सालों के लिए लिया है। तो एक तो समझ के परे, और बजट समझने के लिए बजट सुनना पड़ता है। दूसरा, भ्रष्टाचार पर बहुत ईमानदारी से, साफगोई से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस परिषद ने 0 टॉलरेंस रखा है। हमारे GIS मैपिंग के निर्णय के कारण जो बरसों से घोटाला चला आ रहा था उसको पकड़ने का काम किया है, उसके दोषी आज जेल के पीछे हैं। ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार जो नगर निगम के साथ धोखा कर रहे थे उन सब की ठेकेदारी ब्लैकलिस्टेड हुई है। तो ये कठोर निर्णय लेने का काम इस सदन ने किया है, इस परिषद ने किया है। टैक्स बढ़ाने का निर्णय भी कठिन ज़रूर हो सकता है, कठोर ज़रूर हो सकता है, लेकिन इंदौर के भविष्य के लिए है। 2011 के बाद देश में हर चीज़ के भाव बढ़े, इंदौर में नए 29 गांव मिले, उनको यदि संचालित करना है तो टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पर जाके करना होगा। मैं उन सब लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने केवल टैक्स नहीं बढ़ाया, अपने खर्चे कम किए। पिछले 1.5 साल में खर्चा कम करके 30 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा इनकम करके दिखाई है। तो इन सब मैनेजमेंट के आधार पर हम ताकत से आज कह सकते हैं कि 2021 तक का बकाया, जो 2014 के भी बिल थे, उनको 31 अगस्त तक बकाया चुका देंगे। और मैंने जितनी घोषणाएं बजट में की हैं उनके या तो टेंडर लग गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में या आने वाले 15 दिनों में लग जाएंगे। Thank you.